हम देखेंगे तो श्री त्रिभुवन विजय पताका जैन तीर्थ मंडार के नाम से ये मंदिर बन रहा है। और यहाँ जो मूर्ति है वो शायद संसार में इतनी विशाल मूर्ति कहीं नहीं होगी। बहुत कमाल का इतिहास है इस मंदिर का। ये पुण्य मिला है मंडार निवासी श्रीमान इंदरमल धनराज जी चौहान साहब को। बहुत भाग्यशाली हैं, या यूं कहें कि मंडार के उन तमाम भक्तों को इस बात का पुण्य मिल रहा है कि भगवान की 35,000 किलो पंच धातु की प्रतिमा यहाँ स्थापित हुई है। बहुत कमाल का मंदिर है। हमारे साथ में श्री रसिक जी कोठारी साहब हैं। आज इन्हीं को मैं इसका क्रेडिट देता हूँ क्योंकि आपने ही इस मंदिर के बारे में मुझे बताया और आपके कारण ही मैं इस मंदिर के दर्शन करूँगा। मंदिर बहुत कमाल का है। मैं मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहा हूँ और चूँकि निर्माणाधीन मंदिर है, सबसे बड़ी प्रतिमा है, सबसे ऊंची प्रतिमा है, सबसे भारी प्रतिमा है। कहते हैं यहाँ का कई इतिहास है। मैं विस्तार से श्रीमान रसिक जी कोठारी साहब से इसकी पूरी जानकारी आप तक पहुँचाऊँगा। लेकिन जो इसके बारे में जो इतिहास की मोटी मोटी जानकारी है वो ये है कि एक संत हुए हैं श्री भद्रानंद जी महाराज, जो अभी हमारे मध्य में नहीं है, लेकिन उनकी विचार, उनकी साधना, उनकी तपस्या, उनकी प्रेरणा जिंदा है। उनकी प्रेरणा जिंदा है और उन्हीं की प्रेरणा से इस प्रतिमा की स्थापना मुंबई के से 100 किलोमीटर दूर एक दिल खुश जी दोषी साहब हुए हैं, जो सेवाड़ी के थे, मुंबई रहते थे। और हम पैसों की बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसकी कोई कीमत का पार नहीं है। हमारा भाव है आज इस मंदिर को दिखाना, जो बेशकीमती मंदिर है, जो आने वाले समय में एक धरोहर होगा राजस्थान की, एक धरोहर होगा भारत की। चूँकि संत शिरोमणि श्री भद्रानंद जी महाराज इस पूरी योजना के प्रणेता हैं, इस पूरी योजना के प्रेरक हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन में ये कार्य आरंभ हुआ, उन्हीं की प्रेरणा से हुआ। कहते हैं कि भद्रानंद जी महाराज ने ही मुंबई से 100 किलोमीटर दूर हाईवे पर प्रतिष्ठा करवाई थी। आप इस प्रतिमा को देखते रहें, एक टक होकर देखते रहें, बहुत बहुत कमाल का। ये देखिए, ये हम फिर कह देते हैं, भगवान महावीर की विहार भूमि है, भगवान महावीर स्वामी के अनगिनत मंदिर हैं। 35,000 किलो की संसार की सबसे वजनी प्रतिमा का मानते हैं इस प्रतिमा को। आप देखते रहें, बहुत ध्यानस्थ होकर देखें इस प्रतिमा को, इस मनमोहक प्रतिमा को। कितना समय लगेगा, एक ही जिसको कहते हैं कोई इसमें प्रतिमा में वो हो ही नहीं सकता, एक सिंगल प्रतिमा है। हम देखें, ध्यान से देखें। हम सिरोही के निकट श्री विजय पताका पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर देखते हैं। ये भी श्री विजय पताका पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है। बस खास बात ये है कि ये 35,000 किलो की प्रतिमा है, पंच धातु की प्रतिमा है। मंदिर अभी निर्माणाधीन है। मैं अगर इस पूरे जिसको रंग मंडप की बात करूँगा तो आपको देखकर आनंद आ जाएगा। यहाँ श्री मुनि सुब्रत स्वामी प्रभु जी की प्रतिमा, वो भी अद्भुत है। यहाँ श्री आदिनाथ प्रभु की प्रतिमा अद्भुत है। और सबसे बड़ी बात, जिस बात के लिए संसार याद करता है, श्री हिंकारमय सिद्धिदाता सिद्धि पदमय विजय पताका महायंत्रम संत शिरोमणि श्री भद्रानंद जी महाराज को
वो यहाँ यंत्र भी दीवार पर हम देख सकते हैं। यहाँ के बड़े बड़े खम्भे, ये अपने आप में अद्भुत है। कहते हैं कि ये जो मंदिर का शिखर होगा वो बहुत विशाल होगा। यहाँ ये जो प्रतिमा हम देख रहे हैं, इस प्रतिमा का जो फाउंडेशन है वो भी 32 फुट गहरा है, और सिमंदर स्वामी जो महसाणा में मंदिर है उस वो बहुत काफ़ी उसको कहते हैं कि ऊंचा हाइट वाला उसका शिखर है, लेकिन ये उससे भी बड़ा शिखर बनेगा, ये एक बड़ी बात है। कहानी ये है कि ये प्रतिमा की स्थापना मुंबई से 100 किलोमीटर दूर स्थापित हुई थी, लेकिन मंडार का सौभाग्य था कि इन प्रतिमा को यहाँ आना था। और श्री इंद्रमल जी धनराज जी चौहान साहब को भी इसका पुण्य मिलना था, और ये सब हम देख रहे हैं। 8 साल से लगातार कार्य चल रहा है, कार्य अभी चलेगा, और लेकिन जब इसका जब कार्य पूर्ण आहुति की तरफ होगा तो बहुत बहुत आनंद आएगा, मंडार को फिर एक बार संसार देखेगा। इस घटना के बाद हम माँ के भी दर्शन करें, श्री पद्मावती माता जी के दर्शन करें। जैन तीर्थ मंडार, ये यहाँ का श्री विजय पताका तीर्थ है, और यहाँ श्री पद्मावती जी के हम दर्शन कर रहे हैं। बहुत अद्भुत तीर्थ है, बहुत अद्भुत मंदिर है, बहुत अद्भुत व्यवस्था है, और मैं फिर उन दो संतों को जरूर प्रणाम करूँ जिनके सहयोग से ये सब हो रहा है। इस संसार में जो जन्मता है उसको मरना होता है, ये संसार का अटल नियम है, लेकिन जो संसार में आने के बाद संसार को कुछ देकर चला जाता है उनको संसार याद करता है। ये श्री धनराज जी चौहान साहब हैं जिनको हम देख रहे हैं, हाथ जोड़कर जिस मुद्रा में ईश्वर के सामने बैठे हैं, ये श्री धनराज जी चौहान साहब हैं, जो श्री इंद्रमल जी चौहान साहब के पिताजी हैं। मैं इनको नमन करता हूँ, इनके उन संस्कारों को नमन करता हूँ जो इन्होंने अपनी संतान को दिए, और ठीक इनके यहाँ हम माता श्री को भी नमन करें, श्री पार्वती बहन, श्रीमती पार्वती बहन, ये भी हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन इनके विचार हैं, लेकिन इनके भाव हैं, लेकिन इनकी इनकी परोपकार के भाव हैं, लेकिन इनकी जो ईश्वर भक्ति है और जो संस्कार के रूप में बच्चों को दिया है वो आज हम इस मंदिर के प्रांगण में खड़े होकर अनुभव कर सकते हैं। आप यहाँ के मुनीम जी हैं? सर क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम भाव सिंह भैया। मैं आपको पहले तो धन्यवाद साधुवाद करता हूँ, आप बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। ये मंदिर का निर्माण चल रहा है, लगता है कि 10-20 साल में पूरा होगा? नहीं नहीं, लेकिन 5 साल के अंदर ध्वजा का, मतलब 5 साल के अंदर ध्वजा का होगा, लेकिन कार्य दिन रात चल रहा है, लगातार चल रहा है। चलिए, आप बहुत भाग्यशाली हैं, और श्री इंद्रमल जी धनराज जी चौहान साहब उनको तो लाख गुना वंदन है, उनको लाख गुना पुण्य मिलेगा, क्योंकि एक कहावत है धर्मो रक्षति रक्षित है। मैं राजेंद्र नरू का हमेशा एक बात कहता हूँ, हम देवालय शिवालय जिनालय मंदिर आश्रम गौशाला संत के दर्शन आदि करते हैं कराते हैं, और देवनगरी के देव दर्शन सिरोही टेंपल्स का ये भाव है, ये मकसद है। ये हम एक मॉडल देख रहे हैं, ये इस मॉडल को आप जरूर देख लें। आप देखिए ये जो भी आर्किटेक्ट के जो भी भाव हैं, आप कितना अद्भुत मॉडल है, और इस मॉडल से ये मंदिर, ये आप जैसा मुनीम जी बता रहे हैं कि 5 साल में ये प्रतिष्ठा हो जाएगी, 8 साल से लगातार काम चल रहा है, ये छोटी बात नहीं है। और ये सिरोही भूमि, आबू की भूमि, तपोभूमि, भगवान महावीर की विहार भूमि, सिद्धों संतों तपस्वियों की भूमि, लीलाधारी महादेव की भूमि, ये वाकई में बहुत कमाल की है। मैं राजेंद्र नरू का अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे इस बात का अवसर मिलते हैं कि मैं मंदिर मंदिर पहुँचता हूँ। आप देख सकते हैं ये बहुत कमाल का मंदिर है। हमारे साथ रसिक जी कोठारी साहब हैं, मैं उनके
कुछ विचारों के साथ मेरी बात को विराम दूंगा। आप देखते रहें देवनगरी के देव दर्शन सिरोही टेम्पल्स, एक अनंत की यात्रा, एक धर्म की यात्रा, एक संस्कृति की यात्रा, एक भक्ति की यात्रा और एक आनंद की यात्रा। हमको मुनीम जी बता रहे थे कि यहाँ प्रतिष्ठा हो चुकी है, हालांकि ध्वजा की प्रतिष्ठा नहीं हुई। हम इनको भी नमन करें, श्री धरणेन्द्र देव जो द्वार पर विराजमान हैं, श्री मणिभद्र देव और श्री हरिणे गमेशी देव, हम इनको नमन करें। श्री सरस्वती देवी, श्री महालक्ष्मी देवी और श्री ओशिया माता के दर्शन के साथ मैं मेरी बात को विराम देता हूँ। लेकिन बहुत बड़ा परिसर, बहुत व्यवस्थित परिसर और बहुत लगातार काम हो रहा है इस परिसर में, इस पुण्य का लाभ जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।